Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine. So, continuing our previous lecture, our today's topic is ambident date ligands. We are studying the types of ligands. तो उसमें हमने पढ़ा था, तो आज हम दूसरा किस्म उसमें पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ambident date ligands. There are some ligands, ambident date ligands किनको बोलते हैं? There are some ligands which possess two donor sites. जिनके पास दो डोनर साइट्स होते हैं, जिनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन व्हेन दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दे यूज ऑनली वन डोनर एटम. उस वक्त वो एक ही डोनर एटम का इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. उन्हीं लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस CN. It possesses two donor sites, carbon or nitrogen. But when it comes to the coordinate bond formation, जब भी इनको coordinate bond बनाना होगा, तो उस वक्त कभी ये nitrogen का इस्तेमाल करेंगे और कभी ये carbon का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों एक ही साथ इस्तेमाल नहीं करते. दोनों donor sites एक ही समय, एक ही वक्त पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते. ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स, मींस दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर साइट्स बट दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय ओनली वन साइट. एक ही साइट को यूज करके, एक ही एटम को यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. कभी नाइट्रोजन का यूज करेगा, कभी ये कार्बन का यूज करेगा. ऐसे ही आपको दूसरा लिगेंड में बताऊंगा, NO2. आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. हम इसको ऐसे लिखते हैं, कभी ये नाइट्रोजन का यूज करेगा और कभी ऐसे आएगा ONO, तो कभी ये ऑक्सीजन का यूज करेगा, लेकिन दोनों का एक ही टाइम यूज नहीं कर सकता है. ये कभी नाइट्रोजन की साइट यूज करेगा, कभी ऑक्सीजन की साइट यूज करेगा, कभी ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कभी नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन दोनों एक ही समय इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे. दोनों एक ही समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं. उन लिगेंड्स को एम्बिडेंडेड लिगेंड्स बोलते हैं. वो एम्बिडेंडेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स. सो दीज एम्बिडेंडेड लिगेंड्स आर द लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर साइट्स बट दे यूज ओनली वन साइट टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जब भी इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा, तो एक ही डोनर साइट का यूज करेंगे. सो दे आर एक्चुअली मोनोडेंडेड लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट्स. So I can write down that ambidentate ligands are the ligands which possess two donor sites, जिनके पास दो donor sites होंगी, donor sites, but these ligands use only one donor atom to form a coordinate bond. So actually they are monodendrate ligands. They behave as monodendrate ligands. So these ligands behave as monodendrate ligands. For example, cyanide CN, NC, NO2, ONO, SCN, NSC, or CNS. So, it can form coordinate bond by sulfur, it can form coordinate bond this. So, they can use
इल्केन फॉर्म कार्बनेट बॉन्ड बाय नाइट्रोजन, इल्केन फॉर्म कार्बनेट बॉन्ड बाय कार्बन, सो दे कैन यूज डिफरेंट डोनर साइट्स टू फॉर्म द कार्बनेट बॉन्ड्स, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे यूज ऑनली वन एटम टू फॉर्म अ कार्बनेट बॉन्ड, सो दे बिहेव जस्ट लाइक द मोनोडेंटेट लिगेंड्स. उन्हीं लिगेंड्स को बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. और एक जो एंट्रेंस में आया था आप उसको देखिए, और एक लिगेंड है विच इज एक्टिंग एज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड, वो है फिनॉक्साइड आयन. इट इज अ फिनॉक्साइड आयन. वहां पे आया था कि फिनॉक्साइड आयन इज फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन ऐसे होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कभी ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कभी इसमें रेजोनेंस होती है तो इन पोजिशन पे ऑर्थो पोजिशन पे आता है नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजिशन पे आता है नेगेटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू रेजोनेंस. सो इट कैन यूज दी ऑर्थो एंड पैरा कार्बन फॉर द अटैचमेंट. सो कभी ये ऑक्सीजन का यूज करेगा, कभी इन पोजिशन का यूज करेगा टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो दिस फिनॉक्साइड आयन ऑल्सो बिहेव्स एज एम्बीडेंटेट लिगेंड. These ligands are called ambidentate ligands. The important type of ligands. उसके बाद दूसरा एक और किस्म है ligands का, उनको बोलते हैं हम chelating ligands. Chelating ligands. ये कौन से ligands होते हैं? एक्चुअली कीलेटिंग लिगेंड्स आर पॉलीडेंडेट लिगेंड्स. ये पॉलीडेंडेट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंडेट भी हो सकते हैं, ट्राइडेंडेट भी हो सकते हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट. दे आर एक्चुअली पॉलीडेंडेट लिगेंड्स. दीज पॉलीडेंडेट लिगेंड्स पजेस डिफरेंट डोनर साइट्स, मेनी डोनर साइट्स. उनके पास बहुत सारी डोनर साइट्स होती हैं, और जो ये डोनर साइट्स उनके पास होती है वो मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं एंड फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर. दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स विच गेट्स फॉर्मड इज कॉल्ड एज द कीलेट. इज कॉल्ड एज कीलेट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मड, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मड बाय कीलेटिंग लिगेंड्स. Chelating ligands is called chelate, and the ligands which form a ring-like structure जो भी ligands बनाते हैं because of the different attachment of the atoms, because different atoms, different donor sites get attached to the metal atom at different positions and form a ring-like structure. ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसके अराउंड बनाते हैं. जो भी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसके सराउंड बन जाता है तो उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स. सो दीज कीलेटिंग लिगेंड्स आर द पॉलीडेंडेट लिगेंड्स. पॉलीडेंडेट लिगेंड्स लिगेंड्स दे गेट अटैच जस्ट लाइक ए क्लॉज. तो ऐसे ये सराउंड करते हैं, दे आर द पॉलीडेंडेट लिगेंड्स विच सराउंड ए मेटल एटम आयन एट डिफरेंट पोजिशंस. Different positions using different donor sites and form a ring-like structure. Form a ring-like structure. स्ट्रक्चर तो क्या बनाते हैं?
रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सराउंड हो जाते हैं इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड सराउंड हो जाते हैं, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है, बन जाता है, उसको बोलते हैं हम किले। सो दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड एज द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। आई विल टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वन लिगेंड विच यू नो विच आई हैव डिस्कस्ड, दैट इज द बाइडेंटेट लिगेंड विच इज कॉल्ड एज द इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन में क्या है, CH2 NH2 NH, यहां नाइट्रोजन पे लोन पी रहे, यहां भी N, यहां पे भी H, यहां पे भी H और यहां पे लोन पी रहे। तो आप देखिए, अगर एक कॉपर यहां पे मेटल एटम है, तो ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पे और एक इथिलीन डायमाइन आ जाएगा। तो आप देखो वहां यहां पे तो क्या होगा, यहां पे भी NH2 है, HH, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यहां पे भी NH, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहां पे उन्होंने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अराउंड बना दिया। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्सेस, आर सिंपली वी कॉल देम एज द कीलेट। मींस कीलेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स विच सराउंड अ मेटल आयन बाय यूजिंग डिफरेंट डोनर साइट्स साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द कीलेट एंड द लिगेंड्स आर कॉल्ड एज द कीलेटिंग लिगेंड्स। एक्चुअली व्हाट आर कीलेटिंग लिगेंड्स, दे आर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। सो फॉर कीलेशन अ लिगेंड मस्ट बी पॉलीडेंटेड। कीलेशन के लिए क्या जरूरत है कि लिगेंड को क्या होना चाहिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। सो these ligands we term called as for chelating ligands, and it has been found that these chelates are very much stable. Jo bhi chelates hain wo bahut hi stable hote hain. Chelating complex jahan pe bhi ring formation ho jati hai, to wo hum stability mein discuss karenge when we study the stability of the coordination complexes. So these were the types of the ligands which we have to discuss and we have which we use at different points when we will come across this unit. So next I am going to talk about another type of ligands. Whom ligands ko bolte hain, depending upon their charge these ligands are classified as, un ligands ko kya hum bolte hain, unko bolte hain positively charged ligands, negatively charged ligands and neutral ligands. जिन लिगेंड्स का पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम ही होते हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। जिन लिगेंड्स का कोई चार्ज नहीं होगा उनको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। जिन लिगेंड्स का नेगेटिव चार्ज होगा उनको बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स विच वी हैव टू डिस्कस हियर एंड विच वी हैव डिस्कस्ड हियर। सो दिस विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक्स because ligands are very much important in studying the coordination chemistry. Second important terminology mein hum padhenge, to humko kya padhna hai yahan pe, coordination sphere. Aur ek term wahan pe use hoti hai jisko bolte hain coordination sphere. I think this should be the sixth term, coordination sphere. Coordination sphere kisko bolenge, coordination sphere मैं एक मेटल होता है और उसके सराउंडिंग लिगेंड्स होते हैं। सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर आयन एंड प्लस सराउंडिंग लिगेंड्स। जो भी उसके लिगेंड्स होंगे जिन्होंने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या आता है, एक आता है सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है यार प्लस सराउंडिंग लिगेंड्स जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा उसके साथ, उस स्फीयर को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज
the central metal atom and the ligand is surrounding it. This composes the coordination sphere. So coordination sphere is composed of the central metal atom and the ligand is surrounding it. That sphere is called as the coordination sphere. Coordination sphere, so I can write down, coordination sphere is the sphere which is composed of central metal atom, oblique ion, central metal and the ligand is central metal atom, oblique ion and the ligand is surrounding it. The ligands are attached by a coordinate bond, through a coordinate bond. जो भी ligands होंगे वो उनका attachment कैसे होगा? उनका attachment होगा by coordinate bond. उनको बोलेंगे हम coordination sphere. For example, you have this type of complex K4FeCN6. आप देखिए यहाँ पे इसको हम नहीं बोलते हैं coordination sphere because it is outside this. इसमें जो भी ये square brackets में रखा गया है, यहाँ पे central metal atom है और जो ये six ligands हैं, ये इसके साथ bond बनाए हुए हैं. They are attached with this iron atom by a coordinate bond. So we call this part as the coordination sphere. So this will become the coordination sphere. Outside this, जो भी रहेगा, चाहे इस साइड में रहेगा, चाहे इस साइड में रहेगा. For example, you have this Cu, NH3, whole 4. Having this +2 charge, yeah, having Cl2 outside. For example, this will form the coordination sphere. ये जो square brackets में होगा, उसको बोलेंगे हम coordination sphere because it is the central metal atom and the ligands are surrounding it and they form a coordinate bond with this copper. But outside this, there are two chlorine atoms. These chlorine atoms does not form a part of the coordination sphere. Outside this, चाहे ये potassium ions है यहाँ पे या chloride ions यहाँ पे, they are not part of the coordination sphere. उनको बोलते हैं, they are the part of another sphere. That sphere is called ionization sphere. Means outside the square bracket, जो भी part है, उनको बोलते हैं हम ionization sphere. Clear? So, coordination sphere में क्या होगा? Central metal atom होगा और उसके surrounding ligands होंगे. जो भी ligands को surround करेंगे, उनका उसके साथ कैसे attachment होगा? They are attached by a coordinate bond. तो उनका attachment है through a coordinate bond. This sphere is called as the coordination sphere. Outside इसके जो भी होगा, it is this coordination sphere is placed in square brackets. ये हम किस में रखेंगे? Square brackets में रखेंगे. So you will place them in the square brackets and you will understand which of them is the coordination sphere part and outside this is ionization sphere part. उसके बाहर जो भी part है उसको बोलेंगे हम ionization sphere. So this was the next point. Seventh important terminology which is used. Seventh important point which is much more important than any other point. That seventh point is the coordination number क्या होगा? Coordination number से ही हमें geometry पता चलेगी कि इसकी geometry क्या होगी. Coordination number में क्या है? Coordination number हम किसको कहेंगे? Coordination sphere में कितने ligand surround कर रहे हैं एक central metal atom को? Central metal ion को कितने ligand surround कर रहे हैं by a coordinate bond? That number is called as the coordination number. It is actually a number. You have to count this. So you have to calculate this. So while calculating the coordination number, you have to remember some important points. So first of all, I will define the coordination number. The number of ligands
द नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आइटम आया हुआ, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आया इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर CN. This definition is very much satisfied when only monodentate ligands are present. You are counting the number of ligands and it will give you the coordination number. But for example, K4 Fe CN whole 6. आप देखिए यहाँ पे ये जो साइनाइड है, ये जो आयरन है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको रखा, सो इट विल फॉर्म द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम में कितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं इसको, 6 लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, सो इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 बिकॉज ऑल दी साइनाइड्स आर मोनोडेंडेट लिगेंड बिकॉज दे हैव ओनली वन डोनर साइट. बट समटाइम्स देयर आर बाइडेंडेट लिगेंड्स, देयर आर ट्राइडेंडेट लिगेंड्स, उस वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या डेफिनेशन होती. Simply, I can write down the number of coordinate bonds, the number of coordinate bonds formed by the ligand surrounding the central atom, the number of coordinate bonds formed by the ligands while surrounding the central metal atom, that will also give you the coordination number. That's the simple definition. आपको ये क्या करना है, आपको देखने हैं कितने coordinate bonds उन्होंने बनाए. For example, there is a bidentate ligand. बाइडेंटेट लिगेंड की दो डोनर साइट से, तो वो साइमल्टेनियसली दो बॉन्ड्स बनाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही लिगेंड अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा. आई विल एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by the ligands surrounding the central metal atom ion, central metal atom oblique ion in the coordination sphere. Coordination sphere. So this definition will be used for the polydentate ligands. Monodentate के लिए आपको ligand simply गिनने हैं, तो आपको आ जाएगा वहां पे coordination number. आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी होगा वहां पे polydentate ligands होंगे, bidentate ligands होंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, what you have to do, you have to count the number of ligands. आपको ligands गिनने और उनकी identity देखनी है, आपको coordinate bonds देखने हैं, उनकी identity देखनी है, तो you can calculate. So I can use the formula to calculate the coordination number. Coordination number क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे, तो coordination number is equal number of ligands into density. Density means the attachments. Monodentate है तो 1, bidentate है तो 2, tridentate है तो 3, polydentate होगा तो आप देखेंगे कि उसकी density क्या होगी, तो उससे उसको multiply करेंगे. So you can write down coordination number is equal to number of ligands into density. For example, you have an example, this CuEn whole twice. Let it is here Cl2. So आप देखिए यहां पे कॉपर, ये जो EN है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर द इथिलीन डायमाइन.
इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन एज यू ऑलरेडी नो इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, सो इट हैज टू डोनर साइड, इट इज डेंसिटी इज टू. सो हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देयर आर टू लिगेंड्स, सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स. कितने हैं? टू है, तो डेंसिटी कितनी है? टू टू आर फोर, सो इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी फोर. देयर आर ऑनली टू लिगेंड्स बट द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी फोर बिकॉज यू आर अटैचिंग दिस टाइम अ बाइडेंटेड लिगेंड. उसके सराउंड, उसका जो सराउंड करता है तो वो है बाइडेंटेड लिगेंड. तो आप देखिए यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द जेई मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. कोऑर्डिनेशन नंबर पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आप एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, आपको लिगेंड्स गिनने हैं और इनकी डेंटिसिटी आपको पता होनी चाहिए. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द लिगेंड्स एंड देयर डेंटिसिटी एंड देयर चार्ज, सो यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम. सो you have to remember this formula that coordination number is equal to number of ligands into density, and it has been found that most of the complexes possess coordination number 4 or coordination number 6, but coordination number 2, these 3 is also possible, coordination number 4 is possible, coordination number 5 is possible, coordination number 6 is already existing, 7 is possible, but most of the complexes exist in either in the coordination number 4 or in the coordination number 6. So I can write down for monodentate ligands mein kya hoga beta. Monodentate ligands mein aap dekhenge ki coordination density d is equal to 1, unki density ek hi hai, so coordination number is equal to नंबर ऑफ लिगेंड्स. कितने होंगे? नंबर ऑफ लिगेंड्स आप गिन लोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 1. फॉर बाइडेंटेड लिगेंड्स तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होगा? उनकी डेंटिसिटी डी इज इक्वल टू 2, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 2. Similarly, you can use for tridentate ligands. आपको density मालूम होनी चाहिए. You write down the coordination number of each and every complex. आप हर किसी complex का coordination number लिख सकते हो. Next is, which is important, it is next, that is 8th one, that is oxidation number. Oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state क्या है? जब भी metal combine होता है ligands के साथ, तो उस time वो metal कभी कभार इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, या कभी वो ऐसे ही कंबाइन होता है विदाउट लूजिंग एनी इलेक्ट्रॉन. द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम और आयन व्हेन इट कंबाइन्स विद द लिगेंड्स, जब ये लिगेंड्स के साथ कंबाइन हो जाता है, उस वक्त उस मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पे क्या चार्ज होगा? दैट विल बी the oxidation number or the oxidation state of the metal, and you can calculate it by knowing the charge of the ligands. So ye aap dekhenge yahan pe ki jab bhi ye metal atom ligands ke sath combine hoga, us waqt us pe kitna charge hoga, is waqt uski uska charge kitna hoga, chahe zero hoga ya usne electron loss kiye honge isse pehle. So we call this as the oxidation number, usko hum bolenge oxidation number. So it is the number that is. तो बेटा क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलेंगे हम? जैसे मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि ये
वो चार्ज है जो मेटल पे होगा व्हेन इट कंबाइंस विद द लिगेंड्स टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो आई कैन राइट डाउन इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज और नंबर प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम मेटल व्हेन इट कंबाइंस विद द मेटल एटम विद द लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मेटल पे कितना चार्ज होगा बिफोर कंबाइनिंग विद द लिगेंड्स व्हेन इट अंडरगोज कॉम्बिनेशन विद द लिगेंड्स टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस वक्त क्या चार्ज होगा उसके ऊपर, दैट वी कॉल एज द, उसको क्या हम बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एन आई सी ओ होल फोर. आप देखो इसको बोलते हैं टेट्राकार्बोनाइल निकल, यानी बिफोर कंबाइनिंग विद द लिगेंड्स व्हेन इट अंडरगोज कॉम्बिनेशन विद द लिगेंड्स टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस वक्त क्या चार्ज होगा उसके ऊपर, दैट वी कॉल एज द, उसको क्या हम बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एन आई सी ओ होल फोर. आप देखो इसको बोलते हैं टेट्राकार्बोनाइल निकल, या निकल टेट्राकार्बोनाइल. आप देखिए यहां पे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. आप देखो यहां पे सीयू एनएच थ्री होल फोर सीएल टू. आप देखो यहां पे ये जो है ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन का माइनस चार्ज होगा, तो इस कॉपर पे क्या चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा प्लस टू. दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉपर. इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो भी चार्ज इस पे प्रेजेंट होगा व्हेन इट कंबाइंस विद द लिगेंड्स टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज द, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर और oxidation state. For example, in many ligands you will find in when it combines with the neutral ligands. For example, in this complex, the nickel possesses charge equal to zero because it has not lost any electron. ये कोई electron loss नहीं करता है. आप देखिए यहाँ पे nickel का oxidation number या oxidation state it is equal to zero. This is called oxidation number या oxidation state of the metal. Next one is Next important point is that is charge on the complex ion. That is charge on the complex ion. Charge on the complex ion. Complex ion पे कितना चार्ज होगा? जो भी कॉम्प्लेक्स आयन हम लिखते हैं, जो भी हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं उस पर कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. एंड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, दीज कॉम्प्लेक्स आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स. सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इट रिप्रेजेंट्स the total charge due to metal and the surrounding ligands. Total charge means it is the summation of the charge of the metal and the surrounding ligands. जो भी charge बनता है
दैट विल बी कॉल्ड एज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन को इट रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज ड्यू टू मेटल एंड द सराउंडिंग लिगेंड. सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. कितना चार्ज होगा मेटल आयन के जरिए से और जो भी लिगेंड्स हैं उनका सम करके जो भी चार्ज निकलेगा दैट विल गिव अस द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. डिपेंडिंग आयन अब ऑन दिस वी हैव नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड समटाइम्स वी हैव दिस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो. सो दिस वी कॉल एज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. सो द लास्ट पॉइंट हियर इज लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, आप एक कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस टर्मिनोलॉजी तो हम कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जो भी कॉम्प्लेक्स होगा जिस टाइप का भी कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा जिसमें मेटल और लिगेंड्स होंगे जिन्होंने कार्बोनेट बॉन्ड बनाया होगा उसको हमेशा क्या करते हैं उसको हम लिखते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो उसमें क्या है आपको पहले क्या काम करना है, आपको पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखना है Fe फॉर एग्जांपल आयरन. उसके बाद आपको लिगेंड्स लिखने हैं, ये बनाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो एक बात आपको जहन में रखनी है कि पहले हमको हमेशा मेटल लिखना है तो उसके बाद लिगेंड्स फॉलो करने हैं. यू कैन राइट डाउन दीज लिगेंड्स इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर. आपको लिखने अल्फा अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए. यहाँ पे आउटसाइड इस साइड में जो भी कॉम्प्लेक्स होगा अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर जो भी पार्ट होगा उसको बोला था हमने आयोनाइजेशन स्फीयर. तो आयोनाइजेशन स्फीयर में अगर कैटायन्स होंगे तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स. इफ देयर आर कैटायन्स प्रेजेंट यू कैन रिप्रेजेंट देम ऑन द लेफ्ट साइड. यू हैव टू रिप्रेजेंट देम ऑन द लेफ्ट साइड बट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ वही लिगेंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल एटम के साथ. If sometimes it happens that the complex possesses ions, ionization sphere possesses some ions. So for example, you have this type of complex CuNH3O4. ये बन जाएगा आपका coordination sphere. आपको इसमें लिखना है इनको square brackets में होते हैं. तो आपको अगर chlorine होगा this will be the chloride ion. See negative ion होंगे तो ये जो anionic part है ये जो anions है आपको right side में लिखने हैं. ये लेफ्ट साइड में लिखना है कैटायनिक पार्ट और जो एनायनिक एनायनस है वो आपको लिखने हैं किस साइड में, राइट साइड में. सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या करना है हमको, हमको जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको लिखना है हमको, उसको प्लेस करना है हमको इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आउटसाइड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर मे बी एनायनिक पार्ट, देयर मे बी कैटायनिक पार्ट. कैटायनस को हम लिखते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एनायनस को हम लिखते हैं right hand side. I hope you have understood all the terminology which is used and the ligands and the types of ligands. Thank you very much.